हे एवरीवन, दिस इज पी रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का वीडियो फिजिकल वर्ल्ड का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग बातें करेंगे बहुत सारा, ढेर सारा, और सिर्फ आज बात ही बात, दूसरा कुछ नहीं है ना। और इस चैप्टर में तो पता ही है हम लोग फिजिक्स से रूबरू होते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट जगाते हैं ताकि फिजिक्स पूरे साल पढ़ने का मन करे, है ना। ट्वेल्थ में तो ऐसे ही मन करेगा क्योंकि बेटा तुम्हारे पास है कोई ऑप्शन नहीं, और है भी क्या ऑप्शन तुम्हारे पास, तो बोर्ड है, नहीं पढ़ोगे तो लटक जाओगे तो गार्जियन समझ रहे हो ना, छोड़ेंगे नहीं, पेरेंट्स तो छोड़ेंगे नहीं, और सोसाइटी तुम्हें जीने नहीं देगा, तो पेरेंट्स मरने नहीं देंगे, सोसाइटी जीने नहीं देगा, तो समझ जाओ बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है भाई साहब। इसलिए बच्चा ट्वेल्थ में पढ़ता है खुद ब खुद, इलेवेंथ में थोड़ा सा मस्ती करता है, थोड़ा सा किसी और का फैन, किसी फैन क्लब्स या वह बहुत कुछ करता है ना। सो थोड़ा सा चाहिए कि फिजिक्स से रूबरू हो, हम लोग आते हैं। एक बड़ा सा टॉपिक आप देख रहे हो ये मेरे पीछे है जिसका नाम है स्कोप एंड एक्साइटमेंट। मैं पूछूं तू पढ़ रहा है ना, हाँ पढ़ रहा है, तुम्हारा पढ़ने का क्या स्कोप है? बोले सर मेरा स्कोप यही है कि मैं I would like to be a doctor sir, आई वुड लाइक टू बी अ सिविल सर्वेंट सर। ओ सर मैं ये सब ऐसे सोच के बोलोगे ना, हाँ बोलोगे, तुमने कहा सर बोलूँगा ऐसे ही क्यों, मेरा स्कोप है, आप कर रहे हो जो भी वर्किंग कर रहे हो उसमें ये करना है आपको, चलो ठीक है। ठीक उसी तरह फिजिक्स में जो लोग वर्क कर रहे हैं उसका, उस फिजिक्स का भविष्य क्या है, स्कोप क्या है, क्या क्या कर सकता है फिजिक्स, क्योंकि इस फिजिक्स के स्कोप को समझने के लिए शुरुआत में दो लेवल बांटा गया, एक छोटा सा माइन्यूट लेवल, एक बहुत बड़ा लेवल। जब फिजिक्स के फादर हम लोग आइजक न्यूटन को कहते हैं, फिजिक्स का फादर, उन्होंने जब जो डील करना स्टार्ट करा सो नेचुरल फिनोमेना से स्टार्ट किया। नेचुरल फिनोमेना अच्छा, सनराइज सनसेट क्यों, लाइटिंग वाइटिंग, बहुत सारा नेचुरल फिनोमेना से स्टार्ट किया, और होते 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 बड़ा ऑब्जेक्ट से हम लोग छोटा ऑब्जेक्ट पढ़ाए। लेकिन जब तक आइजक न्यूटन, हैमिल्टन या फिर लैग्रेंजे, जितने साइंटिस्ट लोग थे, क्लासिकल मैकेनिक्स को बढ़ावा दिया, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, उसमें ट्रक को भी छोटा ऑब्जेक्ट माना जाता है, हम लोग अर्थ को भी एक पॉइंट मास मान लेते हैं, एक अर्थ ए पॉइंट, ए अर्थ यहाँ पर आ जाएगा, ये मून यहाँ पर, ये अर्थ यहाँ पे, सन यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल, है ना। तो फिजिक्स को देखने का दो तरीका था, लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स बढ़ता गया तीन तरीका याद हो गया। पहला एक बहुत सा छोटा लेवल जिसको हम लोग बोले माइक्रो, एक बहुत बड़ा लेवल जिसको हम लोग बोले मैक्रो, और तीसरा बोलेंगे बीच वाला इंटरमीडिएट जिसको बोलेंगे मेजर लेवल। तो मेजोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, तीन लेवल पर हम लोग फिजिक्स का स्कोप देखते हैं। तुमने कहा कि सर ठीक है तो लैंग्वेज में बता दिया, आप थोड़ा बताओ कि डिटेल में मुझे जो समझ में है। मैंने कहा कि देख, जैसे आप गाड़ी का स्पीड जैसे देखते हो कि अच्छा ठीक है इसका माइलेज ये है वो है ये है, ऐसा कुछ है ना, कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो माइलेज के बारे में लिखा रहता है, और नीचे स्टार में लिखा रहता है कंडीशन, है ना, क्या कंडीशन होना चाहिए, ब्रेकर नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, बहुत सारा चीज़। सो ये बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं, वहाँ भी फ्रिक्शन लगता है, क्या लगता है, फ्रिक्शन। तो माइलेज को कौन रिड्यूस कर रहा है, किसको घटा दे तो माइलेज बढ़ेगा, ये सारा चीज़ बड़े लेवल की बात की जा रही है, छोटी लेवल की बात नहीं की जा रही है। तो फिजिक्स का वो मैक्रो लेवल है, फिजिक्स का कौन सा लेवल है, मैक्रो। बड़े ऑब्जेक्ट में ना हम वेलोसिटी को कंसिडर नहीं करते हैं, मान लो 10 के स्पीड से जा रहे हैं तो भी हमारा अगर वेट 50 kg है तो 50 kg हो जाएगा, 20 के स्पीड से जा रहे हैं तो भी 50, 100 के स्पीड से जाए तो भी 50। लेकिन अब छोटे ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे वो हाई स्पीड से ट्रेवल करता है उसका मास चेंज हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है, मास कॉन्स्टेंट नहीं होता, आपने अभी तक तो बड़ा मास कांस्टेंट होता है लेकिन वहां पे मास क्या हो जाता है, वेरिएबल। सो बहुत सारा कौन लेवल पे, माइक्रो, छोटा वाले लेवल, बड़ा लेवल पे कोई बात नहीं है। हम माइक्रो लेवल की बात करेंगे, तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन का जो जे जे थॉमसन ने इन्वेंशन किया करा, सो वो इलेक्ट्रॉन दिखा कैसे, मैंने कहा ऑब्जर्वेशन, ये फिजिक्स है, क्या है, फिजिक्स है, ऑब्जर्वेशन है, दिखता उखता नहीं है, तो जो दिखता नहीं है उसका जो स्टडी किया जाता है वो माइक्रो लेवल, और थोड़ा बहुत जो बीच वाला होता है उसको कहते हैं मेजर लेवल। तुमने कहा कि सर डेली लाइफ से रिलेट करके बताओ, मैंने कहा कि देख अभी नया बहुत सारा चीज़ इन्वेंशन हुआ है, कि चार्जर, जो चार्जर होता है, पहले क्या होता था हम लोग पिन लगाते थे, अब जो बड़ा बड़ा अच्छा मोबाइल आ रहा है, मतलब हजारों लाखों में जो मोबाइल आ रहे हैं, हजारों में तो सब मोबाइल आते हैं, लाखों में मतलब लाख डेढ़ लाख का जो सेट है उसका चार्जर अलग है ना, और ऐसे ही रखने पे चार्ज हो जाता है, फिर बहुत सारा ये टेक्नोलॉजी है। फिर मैं कहूँ कि तुम ब्लूटूथ देखते हो, ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ यहाँ पे लगाते हैं कहीं भी काम कर जाता है ना, ब्लूटूथ वाईफाई ये सारा चीज़ ये है क्या, क्या हमें दिखता है क्या, नहीं ये सब टेक्नोलॉजी है। तो माइक्रो लेवल पे हम लोग बात किए हैं, हम लोग तो दिखाई नहीं दे लेकिन ये है, फिनोमेना होता है, जैसे लाइट कैसे ट्रैवल करता है हमको पता नहीं है लेकिन लाइट ट्रैवल करता है, तो ये सब फिनोमेना है, मॉडर्न फिजिक्स में आया और हम लोग माइक्रो लेवल पर बात की,
किस लेवल पे? माइक्रो लेवल पे। तो डेली लाइफ से जोड़ के बताया माइक्रो और मैक्रो। अब मैं बता दूं मेजो, कुछ ऐसा चीज होता है कि हम लोग बीच बीच का रास्ता अपनाते हैं। जैसे हमें अपने हाथ में देखना है, हमें जो भी वायरसेस है, जो भी जर्म्स है, जो भी है कुछ जर्म्स, वायरस तो नहीं दिखेगा भाई, जर्म्स दिखना है तो जर्म्स देखना है तो हम लोग मेजो इसको देख सकते हैं। नहीं थोड़ा अगर ढंग से देखें तो हमारा हाथ गंदा है, थोड़ा थोड़ा बहुत दिखेगा, जर्म्स थोड़ा सा बड़ा हो वो दिखेगा। तो वो तो बायोलॉजी हो गया, मतलब उसके स्टडी के बारे में हम बात करें तो उस तरह का स्टडी किया जाए उसको हम लोग बोलेंगे मेजोस्कोपिक। कौन सा स्कोपिक? मेजो। जैसे हम लोग बात करें माइक्रोचिप की, नैनो टेक्नोलॉजी, हमारे मोबाइल फोन में जो सिम लगता है या चिप लगता है वो सब भी छोटा है लेकिन उसका हम लोग जो बिल्डअप करते हैं, जैसे आप सिम तोड़ो तो नीचे अंदर से पतली सी पत्ती निकलेगा, सिलिकॉन का होता है ना, सिलिकॉन का होता है, तो वो जो पतली पत्ती निकलेगा वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो उसका जो स्टडी होता है वो कहाँ होता है, इसका स्टडी जो होता है उसको बोलते हैं मेजोस्कोपिक। ये तो हमारा फिजिक्स का स्कोप हो गया। एक्साइटमेंट मतलब ये सारा चीज़ तुम्हें देख के एक्साइटमेंट नहीं होता है, मैं एक्साइटमेंट कराऊँ क्या? मैं बात करूँ कभी रात के वक्त आसमान में देखना, जब आसमान में तारे हो, चांद हो, बहुत सारा, तुम सोचना कि कितना तारा है, काउंट कर सकते हो क्या? हम क्या उसी में से एक हैं क्या आसपास? ऐसे मैं बता दूं फिजिक्स के बारे में इस तरह से स्टडी करने के लिए बहुत सारा मूवी है, बहुत सारा मूवी है जो आपको फिजिक्स टुवर्ड्स इंटरेस्ट जगाता है। जैसे आप देख लो इंटरस्केलर, एक बार देखोगे शायद ना समझ में आए, दो बार देखना। इंटरस्केलर आप देख सकते हो, स्टार ट्रैक हाँ ऐसे ही कुछ है। तीसरा आप देख सकते हो स्टार वार्स, आप देख सकते हो टर्मिनेटर, ये सारा ऐसा मूवी है, ये सब देखना चाहिए बच्चों को। ऐसा मूवी मतलब प्यार वाला मूवी नहीं देखना चाहिए। और मार्वल सीरीज का तो है, इसमें भी टेक्नोलॉजी है, नो डाउट है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा बहुत कुछ क्या बोलते हैं फैंटेसी भी है, उसमें बहुत कुछ फैंटेसी भी है, लेकिन जैसे थोड़ का थोड़ा ये सब फैंटेसी है। लेकिन मैं बात करूं ये जो साइंस मूवी, जो साइंस फिक्शन मूवी बताया वो सब आपको साइंस टुवर्ड्स ले जाएगा। तो ये था तुम्हारा फिजिक्स का स्कोप और एक्साइटमेंट। ओके चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये तुम्हारा जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है वो पढ़ने का, तुम्हें समझाने का मुझे है ना, बाद बाकी तो मैं ही पढ़ाऊंगा जो इसके बाद जस्ट लास्ट लेक्चर है, उसके बाद जो स्टार्ट होगा मैथमेटिकल टूल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें एक घंटे का कम से कम लेक्चर, एक लेक्चर एक घंटे का होगा, मुश्किल से 10 से 12 लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स ख़त्म करेंगे। और वो लेक्चर उन बच्चों के लिए होगा स्पेशली जैसे कोटा जाता है, दिल्ली जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं बच्चे, उन्हें 5 दिन में के अंदर उनका मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाता है तो उन्हें थोड़ा सा फीलिंग नहीं आता है। कुछ तेज बच्चे हैं तो कर लेते हैं, जो तेज बच्चे नहीं उन्हें थोड़ा सा फीलिंग नहीं आता है। जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं, जो नीट के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए एकदम बेसिक से और एकदम स्ट्रांग, ऐसा नहीं बेसिक से बेसिक करा नहीं, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक प्रॉब्लम प्रैक्टिस का और कैसे, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स ही हैं। एक कहाँ से आता है, जैसे हम लोग ट्रिक पढ़ लेते हैं बस फॉर्मूला रट लेते, नहीं वो कहाँ से ढंग से कि ऐसा ट्रिक ऐसा कुछ डेवलप किया जाए कि हमेशा लॉन्ग लास्ट रहे, कि शुरुआत में पढ़े और अगले साल के लास्ट तक हमें ट्रिक का फंडा याद रहे, अभी पढ़े लॉग का फंडा अगले साल के लास्ट तक याद रहे, ऐसा कुछ आजीवन याद रहे तो और बड़ी अच्छी बात है, कम से कम 2 साल तक तो लास्ट रहे तो अच्छी बात है ना। हाँ तो इस तरह से, क्योंकि क्वार्टर डेली में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, तो 1 सप्ताह के अंदर मुश्किल से 5 क्लास के अंदर खत्म, तो राम कहानी खत्म हो जाता है, लेकिन पूरे 2 साल बच्चों को दिक्कत होता है। वो दिक्कत तो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैथमेटिकल टूल्स का 10 से 12 लेक्चर जो आएगा उसको तो देखना ही देखना, नहीं देखने का कोई सवाल ही नहीं है, उसको छोड़ना नहीं, एकदम से नहीं छोड़ना, और अपने बच्चे हो तो देखेंगे ही। चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। अब मार्कर उठाने की जरूरत है क्योंकि अब लिखना तो होगा ना भाई साहब। दूसरे टॉपिक की हम बात करेंगे वो है हाइपोथेसिस, एजम्पशंस एंड मॉडल्स। 3 चीज है, एक है हाइपोथेसिस ये क्या होता है ना, दूसरा तीनों एक ही जैसा ही मिलता जुलता वर्ड है, एग्जम्स है ना, एग्जम्स, और तीसरा मॉडल को हम लोग कहीं कहीं मैथमेटिकल मॉडल भी बोलते हैं है ना, मैथमेटिकल मॉडल भी बोलते हैं। अब हाइपोथेसिस के बारे में कहा जाता है कि ये सपोज किया हुआ स्टेटमेंट होता है, ये माना गया स्टेटमेंट होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा मान लिया गया है। क्या किया गया? मान लिया।
एजम्पशंस के बारे में कहा जाता है कि ये सेल्फ प्रूव्ड होता है। जैसे एग्जम के बारे में, एजम्पशंस का मैं बोल रहा हूँ, एग्जम्स के बारे में बात करूँ तो यूक्लिड का एग्जम्स आपने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये सेल्फ प्रूव्ड एग्जम्स है, आपको रटना पड़ता है, ऐसे ही मानना पड़ता है, सेल्फ प्रूव है, इसको खुद ब खुद प्रूफ है, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एग्जम्स होता है। और मैथमेटिकल मॉडल या मॉडल, इसको अच्छा तुमने कहा कि सर इसमें फिजिक्स में क्या जरूरत थी, मैंने कहा कि बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए तीनों की जरूरत होती है। तुमने कहा कि एक करके बताओ, मैंने बोला कि आप नाइन्थ में पढ़ रखे होइएगा कि गोल्डिफ करके आया होगा यार, फिर रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल आया होगा, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल। तो उसमें जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल है, कौन सा मॉडल भाई साहब, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल, उसमें कुछ एज्यूम किया जाता है कि सोने की जो पतली पन्नी ली जाती है उसका थिकनेस नेग्लिजेबल होता है, लगभग उसके थिकनेस में एक मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे एजम्स लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है, सपोजिशन किया जाता है, तो हाइपोथेसिस हो गया। कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें फुल सेल्फ प्रूफ है तो उसको बोलते हैं एग्जम्स। और मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया जाता है कि अच्छा ठीक है ऐसे गया तो पैराबोलिक पाथ पे चला गया, ऐसे जाएगा टकराएगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव से नहीं टकराएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा तो कैसे मुड़ेगा, उसका पाथ क्या है, वो ग्रेजुएशन में पढ़ने का चीज़ होता है पाथ क्या है। आप इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, है ना, और फिजिक्स के ट्वेल्थ के फिजिक्स में पढ़ोगे ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, फिर टेंशन वाली बात क्या है, मैथमेटिकल मॉडल, वो मॉडल को हमने मैथमेटिकल मॉडल भी लिखा है क्योंकि इस मॉडल में बेसिकली हम लोग किसी भी चीज को एक बार तैयार कर, कोई भी ऑब्जर्वेशन तैयार कर लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिक्स के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे, अपने माइंड से एक्सप्लेन करते हैं उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल। क्या बोलते हैं? मॉडल। बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश में हम लोग कुछ चीजें सपोज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। कुछ चीजें ऐसा आता है जो खुद ब खुद लगता है प्रूव है, सेल्फ प्रूव है, उसको क्या बोलते हैं? एग्जम्स। और पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स का हेल्प लेके जो मॉडल डेवलप किया जाता है उसको मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं। तो तीन चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और ये सब जरूरी है, कहीं कहीं वर्ड यूज हो जाता है, कभी कभी कोई पूछ देता है, तो फिजिक्स पर बेसिक से नॉलेज बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बी इजिकल टू यू प्लस ए टी या एफ इजिकल टू एम एन निकालते रहना और फिजिक्स से पाले नहीं पड़ेगा। मैं कुछ आईआईटीएंस के नाम बता दूँ, टॉपर था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे कौन से बैच का, वो आईआईटी मुंबई में एडमिशन लिया था 2013 या 14 के आसपास के बैच का था, टॉपर था, दो साल एक साल तक उसने इंजीनियरिंग पढ़ाई करा भी फिर उसको मजा नहीं है, वो थ्योरेटिकल फिजिक्स लिया भाई साहब, IISc बेंगलोर में जाके थियोरेटिकल फिजिक्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर रिसर्च के फील्ड में गया, पीजी रिसर्च के फील्ड में गया, क्योंकि उसे फिजिक्स में मन लगा था, वो सिर्फ V=U+AT नहीं निकाला था, वो बहुत सारा चीज़ फिजिक्स से रिलेटेड करके रखा था, उसके दिमाग में था ऐसा कुछ हो सकता है। मैं बता दूँ कि फिजिक्स से आता है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से ही आता है, टेक्नोलॉजी मीन्स इंजीनियरिंग, समझ रहे हैं ना, अगर फिजिक्स ना रहे तो इंजीनियरिंग कुछ नहीं, बहुत सारा चीज़ आज आगे जो टॉपिक आएगा हम उस पर एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे सोसाइटी में इंजीनियरिंग फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा चीज़। तो ये तीन चीज़ आपको समझ में आया, चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, है ना। देखो फिजिक्स ए थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, कौन? फिजिक्स। अब जब इसी को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं? अप्लाई अपने डेली लाइफ में, जिसमें इनपुट डालते हैं, लेस इनपुट और मोर आउटपुट, तब इसको हम लोग बोल देते हैं टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। जो मैं, तुमने कहा कैसे बात करते हो सर, मैंने कहा अच्छा एक टेक्नोलॉजी का नाम बताओ तुम, तुमने कहा सर मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, अब है सर बाइक टेक्नोलॉजी है। मैंने कहा ठीक है, बाइक कैसे स्टार्ट होता है पता है तुम्हें? आइडिया है बाइक के इंजन के अंदर रियल में आग लगता है, आग जलता है, रियल में क्या होता है? आग लगता है, आग जलता है, रियल में
मजाक नहीं है, तुम जाके देखना, इग्निशन प्लग जो होता है उसको निकाल के देना, जैसे तो स्पार्किंग होगा और लगता है आग, कंप्रेशर बनाता है और तब वर्क डन करते हैं। वो तो आता कहाँ है, तो मैं पढ़ाऊँगा 11th में जब आपको हीट इंजन पढ़ाऊँगा। कौन सा इंजन? हीट इंजन। तो हीट इंजन पढ़ाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि चलो डीजल इंजन भी होता है, पेट्रोल इंजन भी होता है, हीट इंजन भी होता है, कार्नोट इंजन होता है जो हीट इंजन, जिसको हम लोग स्टीम इंजन भी बोलते हैं। और जब यही इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा ब्रॉड है। लेवल क्या है? थोड़ा नहीं, बहुत ब्रॉड है ना, हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। तो कहाँ आता है भाई साहब? फिजिक्स में। तो फिजिक्स से ही निकला है टेक्नोलॉजी जब अप्लाइड फॉर्म में। तुमने कहा कि दो चार और बताओ सर। मैंने कहा सेलफोन देखा है? तुमने कहा हाँ। मैंने बोला सेलफोन में जो माइक्रोचिप लगता है, जो तुम्हारा सिम लगता है, जो तुम्हारा फ्लैश कैमरा है, फ्लैश है, ये सारा फिजिक्स की देन है। और मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, जो WWW के बारे में पढ़ते हो मैं ही पढ़ाऊंगा 12th में तुम्हें, है ना। जो कम्युनिकेशन है तुम्हारा, कोई भी कम्युनिकेशन का मीन मैं ही पढ़ाऊंगा 12th में, मीन ऑफ कम्युनिकेशन में, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में। तुम इलेक्ट्रॉनिक वाले जो स्विच हम लोग देखते हैं, जेन्युइन स्विच होता है ना, इलेक्ट्रिक स्विच और टीवी का स्विच, दोनों स्विच सेम क्यों नहीं होता है, ये सारा चीज़ कहाँ पढ़ाऊंगा? मॉडर्न फिजिक्स में। कौन पढ़ाएगा? मैं। और कहाँ? 12th में, अभी नहीं। तो तुमने कहा कि सर अब मैं समझ गया कि फिजिक्स से ही निकल के आया टेक्नोलॉजी, और हमारा टेक्नोलॉजी हमारे सोसाइटी में हमारे चीज़ को आसान करता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो मुझे ये आइडिया नहीं होता कि कल बारिश होने वाला है, परसों बारिश होने वाला, आज तूफान आने वाला, ये सारे चीज़ आइडिया नहीं लगता। सर आज टेक्नोलॉजी नहीं आता तो हमारा बाइक चोरी हो गया या कार चोरी हो गया, उसका पोजीशन हम लोग लोकेट नहीं कर पाते। सर अगर टेक्नोलॉजी नहीं आता तो आजकल कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है उसमें कौन सा आदमी को कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये है कहाँ से, ये सारा चीज़ ट्रैकिंग लगा हुआ है आरोग्य सेतु ऐप, जो सारा चीज़ जो है वो सारा चीज़ आपको आइडिया नहीं आता। ये किसकी देन है? फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की, हमारे सोसाइटी को। पुराने ज़माने जैसे हम हल जोतते रह जाते, हल ट्रैक्टर वाला कंडीशन नहीं होता, बहुत सारा जो हमारा एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं आता और हम लोग उसको कर नहीं पाते। जो ये चीज़ हम लोग 2-3-4-5-10 दिनों में करते हैं वो घंटों में निपटा लेते हैं, किसकी सहायता से? फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से। तुम देखते हो अपने घर में जितना अप्लायंस देखो, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो अप्लायंस है, सब में क्या है? फिजिक्स। सब में क्या है भाई साहब? टेक्नोलॉजी। सो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी एक तीसरे से मतलब ऐसे संबंधित है कि बिना फिजिक्स के टेक्नोलॉजी नहीं, बिना टेक्नोलॉजी के आपके सोसाइटी में कंफर्ट नहीं। सोसाइटी तो है भाई साहब, आदि मानव का भी सोसाइटी हुआ करता था और पुराने ज़माने में भी जो अर्बन रूरल सोसाइटी था वो भी हुआ करता था, लेकिन 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 कंफर्ट नहीं था। यहाँ कंफर्ट तो था, यहाँ का कंफर्ट था, है ना, बॉडी का कंफर्ट नहीं था भाई साहब। उस ज़माने में लोग तगड़े हुआ करते थे, है ना, इस ज़माने में लोग दो मुक्का लग जाए तो। और तगड़े होने के लिए ज़माने में पता है क्या करते हैं लोग? जिम करते हैं भाई साहब। क्या करते हैं? जिम। क्या जिम करेंगे? चल ठीक है भाई, मैंने बोला कि इतना तो आपने पढ़ा, अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, जो फिजिक्स में हमारे नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेज है उसके बारे में, है ना, और उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग करेंगे एंड, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स। कौन सा टूल्स? मैथमेटिकल टूल्स। और वो कितने का होगा? लगभग 10-12 लेक्चर, और एकदम धांसू होगा। क्या होगा? धांसू। ओके ओके, मैंने कहा तुमने सुना, क्या सुना? तो वही सुना जो मैंने सुनाया, बेसिक और फंडामेंटल फोर्सेस। बेसिक भी बोलते हैं और फंडामेंटल फोर्सेस है। तुमने कहा कि सर ऐसा क्यों नाम है? फोर्स तो सब फोर्स है, फंडामेंटल फोर्सेस। मैंने कहा नहीं भाई साहब, दुनिया में बहुत सारा फोर्स है, ठीक ना, अब सब फोर्स को कैटेगराइज कर दिया गया बेसिकली चार पार्ट में, और फिर यूनिफिकेशन जैसे पिछले वीडियो में आपने देख रखा है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाओ सर्च लिस्ट में यूट्यूब पे फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल और स्लैश फिजिकल वर्ल्ड मारना, आ जाएगा, या फिर फिजिकल वर्ल्ड मारना स्लैश फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल कर देना, क्योंकि भाई साहब मैं इतना स्टार्ट नहीं हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड डालो तो मेरा ही वीडियो पहले आएगा, है ना। मैं जेन्युइन हूँ बट आई चैलेंज, 2-3 साल में देखने को मिलेगा मेरा भी वीडियो सबसे टॉप पे। चल ठीक है, बेसिक और फंडामेंटल फोर्सेस किसकी बात कर रहा हूँ? बेसिक और फंडामेंटल फोर्सेज। तो बेसिक और फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे बड़ा जो फोर्स था उसको बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स,
इसको हम लोग नाभिकीय बल भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। उसके बाद जो उससे थोड़ा सा छोटा आया वो आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन मत लो सब बताऊंगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उससे छोटा आया वीक फोर्स, वीक और वीक न्यूक्लियर भी बोलते हैं, वीक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, याद रखना ये वीक ही है, न्यूक्लियर फोर्स। वीक फोर्स कह लो, वीक फोर्स कह लो या वीक न्यूक्लियर फोर्स कह लो, ठीक ना, बात बराबर है। और लास्ट में सबसे छोटा फोर्स जो दुनिया के लगभग 90% चीज को जोड़ के रखता है और सबसे सबसे छोटा फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, मजेदार है कि इस यूनिवर्स के लगभग लगभग 90% और 90% चीज़ों के बीच में ये फोर्स लगता है। अब 90% या 100% मतलब फोर्स का नेचर बोल रहा हूँ कि ये बांधे रहता है अर्थ को सन से, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को डिफरेंट सेंट्रल प्लैनेट्स से, या सेंट्रल स्टार के अराउंड बांधने का काम कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें तुम्हें सबको धरती पर रखने का काम कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया में बहुत सारा चीज़ एक दूसरे से मूव कर रहे हैं चारों तरफ, उसको बांध के रखने का कौन काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक फैंटास्टिक बात बता दूँ, दुनिया का सबसे कमज़ोर फोर्स है भाई साहब, दुनिया का सबसे ऐसे वाला फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन मज़ेदार बातें हैं कि दुनिया का हंड लगभग दुनिया में जितना ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्सेज, चलो ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल, और इसको बोलते हैं कमजोर बल। क्या बोलते हैं, कमजोर बल या क्षीण बल या छिन्न बल भी बोलते हैं। चलो ठीक है, अब छिन्न बल हिंदी हिंदी भी ज़्यादा नहीं आते हैं ना हम लोग, लेकिन छोड़ेंगे नहीं अभी, अगले क्लास अगले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें 10-20 में, उसमें ऐसा नहीं हिंदी, इसमें तो मैथमेटिक्स है भाई, हिंदी इंग्लिश करने का क्या, उसके बाद अलग कर देंगे सेक्शन हिंदी वालों के लिए, अलग कर देंगे सेक्शन इंग्लिश वालों के लिए। चलो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं बेसिक और फंडामेंटल फोर्सेज। तुमने कहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या ख्याल है सर, आप कैसे मानेंगे। हमने कहा कि देखो तुम जानते हो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन 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 नहीं, बीच बीच में लोग कॉल कर देते, अच्छी बात नहीं। चलो मैंने क्या बोला कि बेसिक और फंडामेंटल फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तुम्हें रियलाइज करा रहा था कि प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, लेकिन जब हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन जरूरी नहीं है, एक से ज़्यादा प्रोटॉन, दोनों प्लस प्लस है, उसके बीच में रिपल्सन होना चाहिए, इतना रिपल्सन हो जाना चाहिए कि एकदम फाड़ के निकल जाए न्यूक्लियस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है कौन, न्यूक्लियर फोर्सेज। कौन फोर्सेज है, न्यूक्लियर फोर्सेज, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दुनिया का कौन, इसलिए इसका नाम रखा गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, है ना। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तुमने तो समझा कि चलो ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने कहा कि देख ऐसे 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 रब करो किसी कागज के टुकड़े के, सटाओ, सटता है कि नहीं, वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रो दोनों के मिला दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फैन तुम्हारा चलता है भाई साहब, स्विच ऑन करते हैं क्या चलता है, फैन। ओहो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमने कहा अच्छा तुम रस्सी देखते हो, रस्सी रस्सी बांधते हो तो कुछ रस्सी टूट जाता है और कुछ रस्सी नहीं टूटता है, तो नहीं टूटते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और एक बड़े मज़ेदार एग्जांपल मैं तुम्हें बता दूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, मेरे पास स्पीच का टुकड़ा होना चाहिए। अच्छा अच्छा जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हें बड़ा फैंटास्टिक एग्जांपल बताऊंगा, तुम्हें बहुत ही फैंटास्टिक।
चलो रुकने के लिए स्क्रीन पे धन्यवाद। मैंने बोला देख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का और एग्जांपल बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। देख इधर यह कागज़ का टुकड़ा, जैसे इसको हम लोग फाड़ेंगे और इससे फिर से चिपकाने का कोशिश करेंगे तो देख कुछ सेकंड के लिए चिपक जाएगा। क्यों चिपक गया भाई? ऐसा नहीं मैंने स्पीड करा और चिपका दिया, ऐसा नहीं है भाई साहब। क्यों चिपक गया है? चिपका कि नहीं? फाड़ के चिपकाया, चिपक गया, कुछ देर बाद एक खुद ब खुद गिर जाएगा, अलग बात है। लेकिन इसके मॉलिक्यूल के टूटने के कारण इस पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? अब टूट गया भाई साहब। फिर से अगर मैं फाड़ू ऐसे और फिर से चिपकाने का कोशिश करूं तो ये चिपक जाएगा फिर से। देखा चिपक गया कि नहीं? चिपक गया इंस्टेंट वे में। फिर से मैं फाड़ू, फिर से चिपकाने का कोशिश करूंगा तो चिपक जाएगा भाई। दूसरा फाड़ के बता देता हूं तुम्हें, ये क्या होगा? चिपक जाएगा। तो कुल मिला के ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? हम लोग जो ऐसे ऐसे करते हैं घर्षण के कारण, जो फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तुमने कहा सर दो फोर्स तो आप समझाए, वीक फोर्सेज, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज थोड़ा सा एडवांस लेवल का फोर्स है। जब अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस जहाँ पे तुम लोग सुना हो, सुनता होगा परमाणु संयंत्र, रेडिएशन, ये सारा चीज़, वहाँ पे अल्फा बीटा जो डीके होता है उसमें जो बीटा डीके होता है ना, जो उस समय जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर। इसलिए बोला कि न्यूक्लियस में बात होती है इसलिए इसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो जानती हूँ, दुनिया का जो भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है एक दूसरे के बीच हमेशा अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स अब बाद में जब से यूनिफिकेशन आया तो दो फोर्स को मिला के एक फोर्स बनाने का कोशिश किया गया। अब बेसिक फोर्स इतना ही है, हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, दो चार फोर्स को तीन फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो फिजिकल वर्ल्ड लगभग लगभग हमारा ख़त्म हो गया और हमें इंटरेस्ट भी आया, मज़ा भी आया फिजिक्स में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स। और मैंने ये ऐसा क्यों बताया तुम्हें, ऐसा क्यों करा? क्योंकि सही में ऐसा वाला टॉपिक आने वाला है, मैथमेटिकल टूल्स, आपके होश उड़ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो मैक्सिमम शेयर करो, और नीचे कुछ तीन चार बटन होता है ना, इसमें लाइक वाइक भी रहता है ना शायद, लाइक, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, जो भी करना है करो, लेकिन करना है अच्छे से करना है, कोई भी पॉजिटिव चीज। आई एम इनिशिएटर सो, और मैं स्ट्रगलर हूँ, तो कुछ भी अच्छा चीज़ मेरे साथ होगा मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ होगा और मैं खुश होऊंगा, आई मीन मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।